नहीं। हाँ जी उठो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक ठाक है। सुबह सुबह मेरा छोटा सा पहलवान देसी नाश्ता कर रहा है। आप भी आ जाएं हाजी के साथ देसी नाश्ता एंजॉय करने के लिए। हाजी को पराठा रोटी और चावल ना मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ना इसने खुद से खाना शुरू कर दिया है। तो आपको मलाई अच्छी लग रही है, तो ये सारी मलाई खा लोगे आप? खा तो रहा है मेरा बेटा, देखो तो सही कितने मजे से खा रहा है। अंडा भी मलाई भी, वाह जी वाह, बस इतना ज्यादा। अभी सही तरह से खुद से खाना नहीं इसको आता है, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा था। जब देखा ना मैं मूवी बना रही हूँ तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था। रात को देर से उठा था इसलिए आज किंडरगार्टन नहीं गया। अब्दुलरहमान और नूर तो चले गए थे, तो बस आज मेरी अपॉइंटमेंट भी थी डॉक्टर के पास, तो मैं उधर ही जा रही हूँ। मुझे इंजेक्शन लगवाना था। बाहर निकली हूँ, इतनी पोलन उड़ रही थी। इस मौसम में ना ये जो स्टार्ट होता है मई और जून का महीना, इसमें ना ये बड़ा मसला होता है, पोलन बहुत ज़्यादा उड़ती है, इतनी छींकें आती हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बल्कि बेहतर यही होता है कि मास्क लगा कर ही निकला जाए। देखें कितनी ज़्यादा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ना जैसे मई जून में बर्फ़बारी हो रही है। बर्फ़ उड़ती नहीं है लेकिन यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, ये देखें ज़रा। हाजिक उठो, हाजिक चलो चलो। हाजिक, हाजी के साथ पैदल निकलना बहुत मुश्किल काम है। 10 मिनट का रास्ता होता है और इसकी वजह से ना आधा घंटा लग जाता है। काम इसके ज़रा चेक करें किस तरह ये पाँव मारता हुआ जा रहा है, जबकि अच्छी खासी छींकी और खांसी आना शुरू हो जाती है जब ये उड़ रही होती है नाक में जाती है तो। लेकिन हाजी को तो कोई परवाह ही नहीं है, उसको तो बस खेलना था। इन दिनों पाकिस्तान में इस्लामाबाद का भी इसी तरह का मौसम हुआ हुआ होता, वहाँ पर भी काफ़ी पोलन उड़ती है। चलें अलग-अलग करके। खैर मैं डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुँच ही गई थी। यहाँ पे ना ये मुझे लगना था इंजेक्शन, एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे कहा हुआ था कि मेरे लेफ़्ट हैंड के शोल्डर का होना था ऑपरेशन, जो कि मैं करवाना नहीं चाह रही, क्योंकि एक तो ऑपरेशन बहुत पेनफुल है और दूसरा ये कि रिकवरी होते हो ना 3 से 4 महीने कम से कम लग जाते हैं। बच्चों की वजह से ऑपरेशन मैं करवाना नहीं चाह रही थी। तो सेकेंड ओपिनियन डॉक्टर की ये थी कि मैं इंजेक्शन लगवा लूँ, लेकिन ये इंजेक्शन मुझे 3 लगने थे और ये मुझे खुद से बाय करने थे। वैसे तो मेडिकल यहाँ पे फ्री है, लेकिन कुछ इंजेक्शन कुछ मेडिसिन जो हैं वो हमें खुद से बाय करनी पड़ती हैं। तो बस अभी मुझे 2 इंजेक्शन लग गए हैं, अभी एक लास्ट और लगना है, तो देखते हैं उसके बाद मुझे कितनी रिकवरी होती है। बस अल्लाह करे कि ऑपरेशन की नौबत ना ही आए, क्योंकि बच्चों के साथ मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑपरेशन करवाना। अब मैं आ गई थी वापस घर और यहाँ पे सब बच्चे बैठ के बालकन में फ्रूट इंजॉय कर रहे थे। तो ये देखें, आप यकीन करें इसके अंदर इतना ये स्पाइसी मसाला डाला हुआ था, लेकिन हाजी को इसमें बिल्कुल मिर्ची नहीं लग रही। हाजी तुम्हें मिर्ची नहीं लग रही? बिल्कुल भी मिर्ची नहीं लग रही। हाजिक मिर्ची नहीं, दाऊद मिर्ची नहीं लग रही? मामा आवाज नहीं आ रही, सुन रही है? तो फिर क्यों खा रहे हो? मेरे बाल नहीं आ रहे, मेरे बाल नहीं आ रहे। हाजिक और दो तो मिला के, हाँ बहुत मजे का जी। बच्चों को मिर्ची सिर्फ खाने में लगती हैं, इस तरह की चटपटी चीजें खाने में इनको बिल्कुल मिर्ची नहीं लगती। ये सब तुर्की के लोग हैं, इन्होंने तुर्की के झंडे भी उठाए हुए हैं और ये अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकले हुए थे। दरअसल तैयब उर्दवान को सब पसंद करते हैं, तुर्की के भी, और हम पाकिस्तानी भी तैयब उर्दवान को काफ़ी पसंद करते हैं। तो इस दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुए थे, तो उस खुशी में ये लोग सब बाहर निकले हुए। और यकीन करें इतना शोर है, और आप ये देखें कि जर्मनी में आप बिला वजह ड्राइविंग करते हुए हॉर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ किसी कोई बहुत इमरजेंसी है तब आप हॉर्न दे सकते हैं, अदरवाइज ये मना है। लेकिन अभी ये सब लोग गाड़ियों में बैठ के इतना हॉर्न बजा रहे थे, इतना शोर था, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त है क्योंकि ये अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे और सारे लोग इकट्ठे मिल के निकले हुए थे। तो यहाँ पे इस चीज़ की परमिशन है कि आप किसी भी तरीके से किसी को जानी नुकसान पहुँचाए बगैर आप अपने खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ये देखें उन्होंने झंडे भी उठाए हुए हैं तैयब उर्दवान के।
आपसे ये शेयर करने का मकसद इतना था कि आपको भी पता चले कि जर्मनी में ये सब भी होता है। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। टाइम कम था और काम ज़्यादा थे, मुझे बस नूर के लिए मोबाइल उठा के लेके आना था मीडिया मार्ट से, और मैं बस वहाँ पे गई हूँ और हम लोगों ने मोबाइल लिया और घर आ गए थे। बच्चों को कन्वेंस करना बहुत मुश्किल काम है। नूर की ख्वाहिश थी कि उसको सैमसंग का मोबाइल लेके दिया जाए, जबकि मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं थी, क्योंकि अभी बहुत छोटी है और मोबाइल का तो एक दफ़ा नीचे गिरना है और उसने जो है वो टूट जाना है। तो बस इसलिए मैंने और इरफान ने हमने इसको ये मोबाइल लेके दिया है। मोबाइल ये न्यू आया था और इसके ऊपर प्रमोशन भी लगी हुई थी, इसके अंदर सिम कार्ड भी था साथ। आपको पता है कि जर्मनी में, यूरोप में, पूरे यूरोप में ही तकरीबन ये सिम कार्ड जो है ना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, मोबाइल डाटा भी एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन इस मोबाइल के साथ जो है वो सिम कार्ड मिली थी और 16 GB का नेट था और 13 यूरो पर मंथ के इसके पे करने थे, तो काफ़ी ये चीप प्राइस में मुझे मोबाइल मिल गया था कि अगर ये टूटेगा भी तो कम से कम मुझे दुख नहीं होगा कि पैसे ज़ाया हुए हैं। और दूसरा, हाँ, लेकिन ये है कि मोबाइल का बेसिकली बच्चों को कैमरा चाहिए होता है, इसका कैमरा भी अच्छा था और लुक वाइज भी बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चों की जब नई चीज़ आती है तो उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि जल्दी जल्दी उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो बस यहाँ पे मैंने नूर का मोबाइल ऑन करके उसको सिम कार्ड डाल दिया था ताकि वो यूज़ कर सके। अच्छा, इसको ना मोबाइल से ज़्यादा उसके एक्सेसरीज़ में दिलचस्पी है, मतलब मोबाइल बाद में आया था अमेज़ोन पे, इसने मोबाइल का केस और जो मोबाइल के एक्सेसरीज़ होती हैं वो ढूंढनी शुरू कर दी थी, लेकिन अभी मोबाइल ये नया आया तो इतनी एक्सेसरीज़ उसकी नहीं नज़र आई, तो काफ़ी उसका मूड ख़राब हो रहा था। यहाँ पे अब आ गया है शाम का टाइम, मेरी फ्रेंड आई हुई थी और हम लोग बैठ के सब मेहंदी लगा रहे थे। आजकल बच्चों को इतना शौक हुआ है मेहंदी लगाने का, हम लोगों का डेली बेसिस पे मिलना, और अगर हम ना मिलें तो या तो इसके बच्चे तंग करना शुरू कर देते हैं या फिर मेरे बच्चे। एक बहुत अरसे के बाद हमारा एक पाकिस्तान वाला माहौल हमें मिला और हमारे बच्चे और हम बहुत खुश हैं। तो चलें, हम अपनी खुशियों में आपको भी शामिल कर रहे हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।